खबर रीवा से है, जहां 2009 में हुई हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए आदित्य वर्मा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल आदित्य वर्मा पर आरोप था कि पैसे के लेन देन को लेकर अपने साथी के साथ मिलकर विजय सोदिया निवासी महसुआ की हत्या उसके अहरी में कर दिया था और सबको बांध कर कुएं में फेंक दिया था। उक्त मामले में साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना जमा करने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। आरोपी इसमें आदित्य वर्मा है, ये थाना रायपुर करचुलियां का मामला है। इस प्रकरण में फरियादी चंद्रवान सोदिया पुत्र विजय सोदिया थे, ये माने इस मामले के 3 मुलजिम थे, जिसमें महेश मशीनरी स्टोर बस स्टैंड रीवा में ये 3 लोग मिस्त्री का काम करते रहे और 1/3/2009 को शाम को 5 बजे ये काम करने के बाद तीनों व्यक्ति घर से निकले और सिरमौर चौराहे तक 707 रहे और फिर सिरमौर चौराहा जाने के बाद मृतक जो है अपने साथियों को ये बताया कि मुझे निमंत्रण खाने के लिए कहीं जाना है और जब वो देर रात तक नहीं आया तो उसके परिजन इस बात का पता लगाए कि भाई रिश्तेदारों के यहाँ यदि कह के गया है तो आखिर गया कहाँ। जब वो पूरी रात नहीं आया तो दूसरे दिन उसके पिता गए तो थाना सिविल लाइन में गुम इंसान कायम कराया। थाना सिविल लाइन में गुम इंसान क्रमांक 13/2009 कायम किया गया और उसकी तलाश थाना सिविल लाइन की पुलिस करती रही। दिनांक 20/3/2009 को सुबह लगभग 8 बजे थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत नंदलाल कुशवाहा गोपाल सिंह के बगीचे में पौधों को पानी लगाने का काम कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब खाना खाने के लिए घर गया तो वहां पर मवेशी चराने वाले कन्हैया कोल ने बताया कि इदारा के पास से बहुत तेज बदबू आ रही है और एक व्यक्ति का शव इदारा में उतरा रहा है। तब नंदलाल कुशवाहा अपने गांव के प्रभाकर सिंह को ये बात बताई। उसके बाद ये बात थाना रायपुर करचुलियान तक पहुंची। थाना रायपुर करचुलियान ने मर क्रमांक 13/2009 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मर्ग कायम किया और मर्ग पर से जांच किया। जांच के दौरान मुलजिम आदित्य वर्मा और इसी मामले में एक अभियुक्त अभी तक फरार है रब्बा उर्फ राजेश, इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, गिरफ्तार किया, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके बाद प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करके मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में आया और वहां से ये प्रकरण क्योंकि 302-201 था तो मजिस्ट्रेट को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, ये उपार्पित हो करके माननीय जज साहब के न्यायालय में पहुंचा और उन्होंने श्री आर के शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचारण हेतु इस मामले को भेजा। वहां पर मैंने इस मामले की पैरवी की और 18 साक्षियों के साक्ष्य मेरे द्वारा कराया गया जिस पर से ये मामला प्रमाणित हुआ। ये मुलजिमगण इसको उठा करके ले गए थे और साक्ष्य को मिटाने के लिए इन लोगों ने एक चद्दर और रजाई के अंदर इसकी बॉडी को माने पहले तो धारदार हथियार से मारा, इसको चोट लगी और इसकी आंत बाहर आ गई तो उसको लपेट करके रजाई और उसके ऊपर एक चद्दर और रस्सी से बांध करके इसको ले जा करके इदारा में फेंका था। जब चिकित्सक का साक्ष्य हुआ तो चिकित्सक ने इस सारी बात को अपने मुख परीक्षण के दौरान इसको बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और आंखों के बाहर आ जाने की वजह से इसके मृत्युकारी हुई है, जिस पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर के शर्मा साहब ने इसको दोषी पाया
और 302-201 दोनों अपराधों में इसको दोषी पाया। 302 में इसको आजन्म कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का प्रत्यक्ष कारावास और धारा 200 में 3 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की राशि 2,000 रुपए का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 9 महीने का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है और इसी मामले में एक अभियुक्त रब्बा उर्फ राजेश अभी फरार। हत्या लेन देन के विषय में थी क्योंकि ये आपस में एक ही जगह काम करते थे और रंजिशन इन लोगों ने इसको मार करके और साक्ष्य को मिटाने के लिए इसको बांध करके और कुएं में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से यह मामला खुला और न्यायालय ने आदित्य वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक फरार है।